राम क्या सिर्फ बीजेपी का है, राम क्या सिर्फ आरएसएस का है, वो कौन है किसी को बुलाने वाले, बताइए मुझे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में महज कुछ ही दिन रह गए हैं। इस बीच कार्यक्रम को लेकर सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप भी जोर शोर से चल रहा है। इसी कड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने प्रभु श्रीराम को लेकर बड़ा बयान दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने सवाल करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि भगवान राम क्या सिर्फ भाजपा के हैं, वे कौन हैं किसी को बुलाने वाले, वे क्यों निमंत्रण दे रहे हैं, क्या भगवान राम के मंदिर में जाने के लिए आपको निमंत्रण चाहिए, मैं उमरा के लिए जा रहा हूँ, क्या मुझे वहाँ से चिट्ठी आनी चाहिए, राम सबके हैं, किसी ने ठेका नहीं ले रखा है, ये लोग राम भगवान को सिर्फ अपना क्यों समझते हैं। सर, इंडिया एयरलाइंस के कई घटक दल जो ऐसे हैं जिनको राम मंदिर का इन्विटेशन मिला है, उन्होंने उसका स्वीकार भी किया है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से उसको राम क्या सिर्फ बीजेपी का है, राम क्या सिर्फ आरएसएस का है, वो कौन है किसी को बुलाने वाले, बताइए मुझे, वो क्यों निमंत्रण दे रहे हैं, क्या राम के मंदिर में जाने के लिए आपको निमंत्रण चाहिए, ये तो ट्रस्ट की तरफ से आ रहा है। मैं जा रहा हूं उमरा के लिए, क्या मुझे वहां से चिट्ठी आनी चाहिए कि तुम आओ काबा को के सामने आओ, क्या मुझे निमंत्रण आ रहा है। इन्विटेशन तो सर इसमें इन्विटेशन जो इनकी गलत थी, राम का किसी ने ठेका नहीं ले रखा है, राम सबका है, और अगर सबका है इन्हें क्या ठेका रखा है। आज देखिए यहाँ पे घरों पर चिट्ठियां डाली जा रही हैं, कौन डाल रहा है, कौन संस्था है जो डाल रही है, बताइए। लेकिन सर आप ये क्यों राम को सिर्फ अपना समझते हैं। लेकिन आप ही के कोलेशन पार्टनर जो है, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, उन्होंने उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया है और कहा हम जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने अपने तक कहा कि उनकी भूल है, कोई करेगा या नहीं करेगा इसको जोर नहीं है। बता दें कि 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख, मुख्यमंत्री, उद्योगपतियों समेत सिनेमा जगत की कई हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। वहीं कार्यक्रम को लेकर विपक्ष के कई नेताओं ने निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार कर दिया है, जिसके बाद से लगातार सियासी गलियारों में विपक्षी भागीदारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल कार्यक्रम को लेकर सियासी बवाल लगातार जारी है। फिलहाल इस खबर में इतना है। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।